हेलो किड्स, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्लासरूम फर्स्ट बुक फर्स्ट टर्म अबाउट द मैथमेटिक्स। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स। वी हैव टू गो थ्रू द मैथ्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स? हियर इज गिवन द प्री नंबर कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 38। हमको प्री नंबर कॉन्सेप्ट 38 मतलब हमको पहले नंबर पढ़ना है। अब हम चलते हैं बुक में, ऐसे 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 ऐसे, और अब ढूँढो ढूँढो भैया ढूँढो, मैथ्स कहाँ है? ये तो इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, मैथ्स कब आएगा मेरे बच्चों? मैथ्स कब आएगा? मैथ्स 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 आ गया, मैथमेटिक्स। नाउ कंटेंट्स, दैट इज द मैथमेटिक्स। ओके, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, वार्म अप प्लस पोजिशंस। सो फर्स्ट चैप्टर, वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। व्हाट डू मीन बाय प्री नंबर कॉन्सेप्ट? वार्म अप, लुक एट द जंगल स्कूल, लुक एट द जंगल स्कूल, स्कूल इन अ जंगल। अब जब स्कूल जंगल में होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कौन होंगे? वाइल्ड एनिमल्स होंगे। वेरी गुड थिंग। रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, आपको एनिमल्स के नेम पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके बाद नाम पढ़ के जो नीचे क्वेश्चन दिए ना उसको पढ़ना है। देखो, ये चंगू है, ये मंगू है, ये डंपू है, ये पंपू है। ओहो, लुक एट द जंगल स्कूल, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जंगल स्कूल को देखना है, एनिमल्स के नेम पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। वाह वाह, ओहो, दैट इज द रेड एंड येलो टी शर्ट बलू बलू, रेड एंड येलो टी शर्ट नेम्ड बलू। ओहो, मुफासा, मुफासा द किंग, लायन किंग, मुफासा द लायन किंग। ओहो, बनी बनी रेबिट, बनी बनी रेबिट, डोरा फॉक्स एंड नैनी, स्पेरो एंड द रॉकी, मंकी एंड द भोलो, एलिफेंट एंड डेनी डंकी, and Mickey Mouse. Oh ho 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 ho, what is over, very lucrative yaar, kya aanand aa raha hai. Balu, dekho Balu kaise dekh raha hai. Mufasa the king of lion, Bunny the rabbit, and Dora the fox, and Nanny the sparrow. Oh ho ho ho, Rocky the monkey, Bholo the elephant, and the Danny the donkey, and the Mickey the mouse. ओहो, मिक्की माउस अंडर द टेबल, व्हाट इज इट इज डूइंग हियर? नाउ वेयर इज द मिक्की? ओके, दैट इज द पोजिशनिंग। वेयर इज द मिक्की? मिक्की इज अंडर द टेबल और डेस्क। मिक्की इज अंडर द डेस्क। वेयर इज भोलो? भोलो इज ऑन द चेयर। ओहो, वेयर इज द नैनी? नैनी इज द ओवर द बोर्ड। ओहो, राइटिंग बोर्ड एजल। ओके, हु इज स्मॉलर, रॉकी और डेनी? यू हैव टू फाइंड आउट हु इज स्मॉलर, वेदर द डेनी और वेदर द रॉकी, छोटा कौन है, रॉकी है या डेनी है? बताइए बताइए, मुझे बताइए, कौन बताएगा? अच्छा 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 अच्छा, आप बता रहे हो, वेरी गुड टोनी। रॉकी इज स्मॉलर, हु इज लार्जर? हो, मुफासा और भोलो, भोलो और मुफासा। ओहो, मुफासा इज द किंग ऑफ द लायन, बट हु इज द लार्जर? द भोलो इज द लार्जर बिकॉज इट इज एलिफेंट। हो, नाउ वन मोर, मुफासा, बलू, नैनी, डोरा, बनी, रॉकी, डेनी एंड भोलो एंड मिक्की माउस। ओहो, ट्राई टू कंपेयर योर पोजिशन विद द थिंग्स अराउंड यू इन योर क्लासरूम नाउ। अरे बच्चों, अब आपको
क्या करना है आपको, पोजीशन पता करना, पोजीशन में कौन सी चीज कहाँ है ना। देखो चीजें ऊपर होती है तो उसको अबाउ बोलते हैं, जो नीचे होती है उसको बिलो बोलते हैं, जो किसी चीज के नीचे होती है उसको अंडर बोलते हैं, जो चीज के ऊपर होती है, किसी चीज पर रखी हुई होती है, ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको ऑन बोलते हैं। देखिए पोजिशंस, पोजिशन मीन्स पोजिशन, कहाँ पर चीज़ें हैं। द बर्ड इज़ अबाउ द क्लाउड, जो पक्षी है वो क्लाउड के ऊपर है। देखो क्लाउड दिया हुआ है, बर्ड दिया हुआ है, और केट दी हुई है, फॉक्स दी हुई है, तो फॉक्स सॉरी केट नो कॉय केट दैट इज द फॉक्स। द बर्ड इज अबाउ द क्लाउड, जो बर्ड है वो बादल के ऊपर है। द फॉक्स इज बिलो द क्लाउड, जो फॉक्स है वो क्लाउड के नीचे है। द पेन स्टैंड इज ऑन द टेबल, पेन का जो स्टैंड है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द बेड इज अंडर द टेबल, बेड जो है वो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। ये पोजिशन से बेटा। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, रोहित इज नियर द बस, जो रोहित है वो बस के नियर खड़ा है। अमन इज फार फ्रॉम द बस, अमन जो है वो बस से दूर है। मोहित इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, जो मोहित है वो सीढ़ियों में सबसे ऊपर खड़ा है। देखिए देखिए, रिया इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, जो रिया है वो स्टेयर्स में बॉटम में है। ओ हो नाउ ओ हो दैट इज द डेन, एंड दिस आर द वाइल्ड एनिमल्स, यू कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस एनिमल्स, कैन यू आइडेंटिफाई। अरे 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 अरे, क्या तुम लोग बता सकते हो आप में से ये कौन है? ये डेन है, और ये जो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं वो कौन है, कौन रहता है डेन में, आप में से कौन बताएगा? द लायन कब्स आर इनसाइड द केव, ओ हो, ये तो लायन के कब्स हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लायन के बच्चों को कब्स बोलते हैं, ये केव के अंदर है। द लायनेस इज आउटसाइड द केव, और जो शेरनी है, लायन जो है वो लायन जो है वो शेर है, वो जो लायने से वो शेरनी है, शेरनी जो है वो केव के बाहर है, और जो कप्स है जो बच्चे हैं शेरनी के, वो केव के अंदर है। देखिए पिक्चर में, ओ हो, नाउ एक्सरसाइज 1.1, ओहो लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउ और बिलो टू शो द पोजिशन ऑफ दिस थिंग्स। आपको क्वेश्चन फर्स्ट में, एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है इस पिक्चर को देख के जो आंसर है उसमें आपको बताना है कि अबाउ कौन है और बिलो कौन है। अबाउ मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट है, द एरोप्लेन इज अबाउ द क्लाउड्स, देखो क्लाउड्स के ऊपर है एरोप्लेन। एंड बी द काइट्स आर बिलो द क्लाउड्स, देखिए क्लाउड्स के नीचे काइट्स हैं, पतंगे हैं। ओ हो, द क्लाउड्स आर बिलो द एरोप्लेन, जो क्लाउड्स है वो एरोप्लेन से नीचे हैं। द क्लाउड्स आर अबाउ द काइट्स, देखिए इसी पिक्चर में बिलो और अबाउ हर चीज एक दूसरे के अबाउ और बिलो है, बस एरोप्लेन के अबाउ कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, तो ये हमारा हो गया, ये आपको कंप्लीट करना है बेटा। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज पर, टिक द एनिमल अंडर द ट्री। ओहो आप बताइए मुझे कि अंडर द ट्री कौन सा एनिमल है, उसको आपको टिक करना है। उनके बिफोर बिसाइड्स उनके बॉक्स दिए हुए हैं, उन बॉक्स में से अंडर कौन है, कौन बताएगा अंडर में कौन है। ओहो, टिक द एनिमल अंडर द ट्री, हो एट द फर्स्ट यू हैव टू रिकोगनाइज और आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द ट्री, विच एनिमल ऑन द ट्री। ओ आई सी, ओ टेडी टोल्ड अबाउट द केट, यस यू आर राइट टेडी, केट कैट इज ऑन द ट्री। एंड ओहो विच एनिमल इज अंडर द ट्री, ओ हो,
हु इज टेलिंग, ओहो कालू इज टेलिंग, कालू स्टोल्ड, कालू हैज टोल्ड, ओहो कालू, यस यस यू आर राइट, डॉग इज अंडर द ट्री, सो यू हैव टू पुट द टिक मार्क विच एनिमल इज अंडर द ट्री, सो डॉग इज अंडर द ट्री एंड कैट इज ऑन द ट्री, आपको टिक मार्क लगाना है जो अंडर है, अंडर मीन्स नीचे, जो नीचे है उस पर टिक लगाना है, ओ हो। क्वेश्चन थर्ड, टिक द मैन हु इज नियर द बैंक, ओ हो नियर मीन्स पास में, और ये दिया हुआ बैंक, बैंक में क्या होता है, बैंक इज अ प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी टेक्स प्लेस, बैंक वो जगह है जहाँ पर पैसों की लेन देन होती है, वो हम पैसा जमा करते हैं और बैंक हमको ब्याज देती है और पैसा वापस देती है, हमारा पैसा वहाँ पर सेफ रहता है। टेक द मैन वो इज नियर द बैंक, रेड शर्ट वाला जो है और येलो शर्ट वाला है, दोनों बैंक से एक तो बिल्कुल पास में है और एक बिल्कुल दूर है, येलो शर्ट वाला बिल्कुल डिस्टेंस पे है और रेड शर्ट वाला जो है वो नियर द बैंक है, तो आपको उसी को टिक मार करना है, उसी बॉक्स में टिक लगाना है जो नियर है, ओ हो। फोर्थ पे आ गए हम, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। टेक द ग्लास विच इज नियर द जग, जग के पास में जो ग्लास है उस पर टिक करना है, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको खुद करना है, ओहो। फिफ्थ, कलर द पिक्चर्स ऑन द टॉप ऑफ द वुडन शेल्फ एंड ग्रीन एंड एज ग्रीन एंड दैट एट द बॉटम एज ब्लू, ओहो, क्या कहा, कलर द पिक्चर, देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है इधर साइड में जो टॉप में है वुडन के, ये वुडन जो है अलमीरा जो है, वुडन सेल्फ जो है, वुडन की जो अलमीरा है, जो रेक रखा हुआ है उसमें जो टॉप पर है उसको ग्रीन कलर करना है और जो बॉटम में एनिमल है पिक्चर जो है उसको ब्लू कलर करना है, ओहो कौन करके लाया, वेरी गुड, अरे आप तो कर भी लाए हो। सिक्स, टिक द रेट हु इज आउटसाइड द केज, ओहो ये तो केज है, ये तो पिंजरा है, पिंजरे में रेट है और एक पिंजरे से बाहर है, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर और इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर और इनसाइड मीन्स अंदर, सो जो आउटसाइड है केट के उसको टिक करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इनसाइड और आउटसाइड, जो आउटसाइड है द फीस इज इनसाइड द पॉट एंड द टोर्टॉइस इज द आउटसाइड ऑफ द पॉट, टिक द बर्ड इनसाइड द नेस्ट, जो इनसाइड बर्ड जो इनसाइड में है उसको आपको टिक करना है, ओहो 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 ओ